सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हां नवनीत रंधावा ते हुण एक नज़र अज दे बुलेटिन दियां मुख खबरां वाल। तेरह तो 15 अगस्त तक घरां ते दफ्तरां दी शान बने राष्ट्रीय झंडा, आख्या डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने। लोकां दियां मुश्किलां पहल दे आधार ते हल होणगियां, आख्या नगर निगम कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने। BRTS कोरीडोर नूं वाहन चालक करदे हन गलत रूप च इस्तेमाल, हो सकदा है खतरा। अते हुण खबरां विस्थार नाल। भारत सरकार वल्लों आज़ादी दी 75वीं वरेगंढ मौके शुरू कीती गई मुहिम हर घर तिरंगा दे तहत इस वार अमृतसर जिले दे हरेक घर विच तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस नूं ध्यान च रखदे होए तिरंगा झंडा घर घर दी पहुँच तक करन दी तैयारी शुरू कर दिती गई है। इस बारे फास्ट वे न्यूज़ टीम नाल गलबात करदिया डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन ने आख्या कि यह सब लई बड़े सन्मान की गल होएगी कि देश की आज़ादी की 75वीं वरेगंढ अपने अपने घर से तिरंगा फहरावांगे। उन्हें आख्या कि केंद्र सरकार दियां हिदायतां ते जिला प्रशासन वालों वाजिब रेटा ते तिरंगे मुहैया कराए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों को अपील की कि वह 13 तो 15 अगस्त तक अपने घर से तिरंगा जरूर लहराउण। मैनू लगता जी भारत सरकार ते पंजाब सरकार वालों ये एक बहुत ही वड्डा प्रिविलेज जिहड़ा हैगा है हर साडे भारतवासी नूं दित्ता गया है। इहदे विच जे असीं देखिए अपने घरां उत्ते ये मुहिम का नाम हर घर तिरंगा हैगा। ये तुसी देखो असीं बचपन तो देखते आ रहे हैं कि सरकारी बिल्डिंग्स उत्ते, DC रेजिडेंसिस ते, ऑनरेबल मिनिस्टर्स दे रेजिडेंसिस ते रोज़ झंडा जिहड़ा है फहराया जाता है फ्लैग कोड नूं फॉलो करते हुए। बचपन तो जे मैं सोचा जी मैं भी जब सर्विस च आया मेरा भी एक ये सपना सीगा कि मैं भी कभी झंडे वाले घर च रह के देखा। परमात्मा की कृपा रही सानू आज मौका मिला। हुण सरकार ने मौका हर नागरिक नूं दिता है, ये एक प्रिविलेज है जो 13 तो लैके 15 अगस्त तक हर जिहड़ा भारतीय नागरिक है अपने घर ते इस झंडे नूं फहरा सकता हैगा, हर घर ते तिरंगा लहराया जाऊगा। मेरी अपील है पुरजोर सारे साडे पंजाब दे निवासियां नूं, देशवासियां नूं कि इस मुहिम दा, इस प्रिविलेज दा असीं फायदा चकीए। सरकार वल्लों झंडे भी बकायदा अलग अलग साइज़ दे बना के दिते जा रहे ने, बहुत ही सबसिडाइज रेट ते हैगे हैं। सब तो वड्डा 25 रुपये, उस तो घट जिहड़ा हैगा 18 रुपये ते 9 रुपये। मैं यही पुरजोर अपील करांगा कि अगले आने वाले दिनों विच ये झंडे जिहड़े हैं साडे सारे सरकारी अदारियां विच तुहानूं मिल जाएंगे, चाहे वह मिल्क फैड दे यानी वेरका दे बूथ होण, चाहे साडे सेवा केंद्र होण, चाहे वह कारपोरेशन दे दफ्तर होवे, चाहे साडियां तहसीलां होण, चाहे होर कोई भी अदारे जिहड़े सरकारी हैगे ने पिंडां विच BDPO दफ्तरां दे राहीं, CDPO दफ्तरां दे राहीं असीं ये झंडे जिहड़े हैं उत्थे विक्री लई रख देंगे। तो मैं यही पुरजोर अपील करदा इस प्रिविलेज नूं असीं मान दईए, झंडे असी जिहड़े हैगे हैं खरीद के 13 तो लेके 15 अगस्त तक पक्के करिए कि असी हर कोई अपने घर उत्ते झंडा फहरावे। तो ये जिहड़ा 75वां वरा है साडी आज़ादी का उन्हों असी बहुत हुमहुमा के मनाइए। देश इस साल अपना 75वां आज़ादी का दिहाड़ा मना रहा है, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। सो इस साल केंद्र सरकार वालों हर देशवासी नूं अपील की गई है कि 13 अगस्त तो लैके 15 अगस्त तक वो अपने घरों के उपर देश का मान, देश का सत्कार, तिरंगा झंडा जरूर लहराण। और इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर सरदार हरप्रीत सिंह सूदन होर ने भी लोगों को अपील की है कि वह इस साल आज़ादी के 75वें दिहाड़े के मौके पर केंद्र सरकार की, पंजाब सरकार की, जिला प्रशासन की अपील से 13 अगस्त तो लैके 15 अगस्त तक अपने घर तिरंगा झंडा लहराण, आज़ादी का 75वां जिहड़ा अमृत महोत्सव है उसनू बड़े उत्साह ते और जोश खरोश दे नाल मनाण। कैमरामैन नरेश कुमार, संदीप सियाल, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। लोगों दियां नगर निगम नाल संबंधित मुश्किलां पहल दे आधार ते हल होणगियां, ये विचार नगर निगम दे कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने नगर निगम दफ्तर विखे लोगों नाल मुलाकात करदिया सांझे कीते। उन्होंने इस मौके पर लोगों दियां मुश्किलां सुनियां अते इन्हां दा मौके ते ही हल कीता।
कई मुश्किलों के हल लिए उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों जरूरी हिदायत भी कीतियां। उन्होंने लोगों को आख्या कि नगर निगम नाल संबंधित मुश्किलों के हल लिए वो उन्होंने हर वीरवार नगर निगम दफ्तर विखे मिल सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ऐसा होता है अगर किसी को मुश्किल है वो 24 घंटा मुझसे मिल सकता है, सरकार मुझे इसी बात की तनख्वाह देती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे सपोज डैट कि कोई मेरे पास मंडे को आ गया, ट्यूसडे को आ गया, उस समय मेरे साथ अफसर मेरे नहीं होते हैं, इस समय मेरे सारे ब्रांच के सारे अफसर मेरे साथ बैठे हैं। अगर कोई किसी आदमी को कोई तकलीफ होगी तो मैं अफसर से पूछ सकता हूं कि भाई इसको कितने दिन में कर दोगे या ये क्या इशू है। जैसे आज ही एक इशू आया था, उस सज्जन को जानकारी नहीं थी, हमारे अफसर ने बताया कि ये पूडा के अंडर में है, तो मैंने पूडा वाले अफसर से बात करके फिर उनको वहाँ भेज दिया। इससे कंप्लेंट जल्दी रेक्टिफाई हो जाती है। ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो हैं वो पहले तो शुरू की दो मीटिंग में ज़्यादातर कंप्लेंट्स बिल्डिंग डिपार्टमेंट की थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट डाउन हुई है। कुछ कंप्लेंट्स इल्लीगल इंक्रोचमेंट की हैं, अब 90% कंप्लेंट जो आ रही हैं वो सीवेज की आ रही हैं, वाटर सप्लाई की आ रही हैं या पेंडिंग डेवलपमेंटल वर्क्स की आ रही हैं। हमने बहुत सारा डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए बहुत सारी फाइलें जो बहुत दिन से पेंडिंग थी वो क्लियर करके मेयर साहब को भेज दिया है कि वो FNCC में बहुत जल्दी ही प्रेजेंट हो जाएगी। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क्स जो हमारे नोटिस में धीरे धीरे आ रहा है वो हम अपने सिविल इंजीनियर्स को बोल करके उसका एस्टिमेट्स बनवा रहे हैं। ये पंजाब सरकार की हिदायत ने कि जेकर कोई इंसान अपने मुश्किलों को लेकर सरकारी दफ्तर जाता है तो अधिकारी उस नाल गलबात करन, उसकी मुश्किल सुनन अते इन्हां मुश्किलों का हल करन। और इस सिलसिले में लेकर अज नगर निगम अदे दफ्तर विखे नगर निगम के कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने मुश्किल सुनिया। उन्होंने आख्या कि वह हर हफ्ते लोगों अपने दफ्तर च मिलते हैं और इस मौके पर नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद होंगे ने, और इसका मुख मकसद है कि जेड़ा इंसान अपनी शिकायत लेके आया उसकी शिकायत के हल लिए अधिकारियों की जवाब तलबी की जाए और इस मुश्किलों के हल लिए अधिकारियों को हिदायत जारी की जा। उन्होंने आख्या कि लोग अपनी मुश्किलों के हल लिए किसी भी वेले उन्होंने नगर निगम दफ्तर से मिल सकते हैं। कैमरामैन नरेश कुमार, संदीप सियाल, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। लोगों को अपनी जान प्यारी होंगी है पर वेखन भी आता है कि शहर वासी इस गल की परवाह नहीं कर रहे। असी लगातार अपने चैनल से लोगों की लापरवाही विखाने पर लोग सीखने को तैयार नहीं। असी गल कर रहे हैं BRTS के पैसेज की, जिसनु लोग अपनी प्राइवेट व्हीकल्स वास्ते इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। BRTS पैसेज BRTS बसों वास्ते ही बने हैं। कुछ समय पहला पुलिस वालों चलान किए जाते सन जो लोग पैसेज नु यूज करते सन, पर वो भी बंद हो गए। आए दिन पैसेज विचों लंघ रहे ट्रैफिक नाल BRTS बसों की दुर्घटना होंगी है, पर वो सब कुछ जानते हुए पैसेज के इस्तेमाल तो बाज नहीं आ रहे। साड़ी टीम ने कॉरपोरेशन हाउस के सामने BRTS पैसेज नू कवर किया जिसकी रेलिंग टुटी हुई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमृतसर के कमिश्नर इस जगह रहिंदे हन अते आउंदे जाते इस पोर्शन नू जरूर वेखते होंगे। जोशी कलोनी तो बाहर आने वाला ट्रैफिक मॉल रोड से आन वास्ते इस पोर्शन नू यूज करता है अते अपने नाल नाल दूजियां दी जिंदगी भी खतरे विच पाउंदा है। असी कई बार BRTS पैसेज कवर कर चुके हैं अते शहर वासियां नू खतरे तो आगाह कर चुके हैं, पर लोग है कि मनन नू तैयार नहीं। लगातार एक्सीडेंट्स अते मौतां तो कोई सीख नहीं ले जा रही। असी कॉरपोरेशन कमिश्नर तो मांग करते हैं कि जल्द तो जल्द BRTS पैसेज के खराब पोर्शनस नू ठीक किया जाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कमिश्नर साहब के अंडर है। लोग भी अपनी गलती सुधारन ता जो जिंदगी मौत विच ना बदल जाए। मैं मार रोड कारपोरेशन कमिश्नर की कोठी के बाहर खड़ा वहाँ भाई। मुश्किल इतने आ वा कि इतने 2 साल बाद जंगला टूटा है, ठीक है। मैट्रो का इतों जिन्नी मैट्रो बस आँदी है इधरों कलोनी तो जिन्हें भी लंघते हैं ट्रैफिक लंघती है, इधरों जान का बहुत खतरा है भाई। इधरों बिचों लंघते हैं, उधरों बस आई एकदम स्पीड से आई है, किसी को लग जाए तो कौन जिम्मेवार है। बिल्कुल वन वे जाते हैं। कल साढ़े सामने एक कुड़ी का एक्सीडेंट आया, उन्होंने चंगी सट्टा लगियाँ, उन्होंने कल हॉस्पिटल लैके गए और कुड़ी की लत्तें फ्रैक्चर हो गई भाई। बिल्कुल समझ आनी चाहिए लोगों की जान मन, बंदा की कह सकता। बिल्कुल भाई जिंदगी का हर कोई खतरा लाता अपनी, ऐसा कॉरपोरेशन कमिश्नर सानू चाहिए कि यार छेती से छेती काम किया जाए।
बिल्कुल भाई बहुत ज़्यादा लंघ हैगा। मैं डेली इधरों लंघदा भाई, जिनी भी जोशी कलोनी सामने आती है ट्रैफिक सारी इधरों लंघती है, तो बड़ी बारी एक्सीडेंट होए। बिल्कुल भाई जंगला बंद करें, कमिश्नर साहब नूं आप चाहिए इन्हें वेखना, यार तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फास्ट वेयर लाते हैं और सारे भले ही लाते हैं, ठीक है वो लोग ना समझे ना नादानियाँ करें, कौन जिम्मेवार भाई? लोगों आप सोचना चाहिए कि ठीक है गलत है। अज एक बार फिर असं कवर करते पे हाँ माल रोड के उत्ते BRTS का पैसेज जोड़ा कि पोर्शन टुटा हुआ एग्जैक्टली कारपोरेशन हाउस के बाहर जिते कि कारपोरेशन के कमिश्नर साहब रहते रहे। सुनने में आया है कि जो प्रोजेक्ट है BRTS इन हैड जो कर रहे हैं वो कमिश्नर ही हैड कर रहे हैं, तो अपने घर के बाहर ही टुटा पोर्शन जिंद की खबर असं बार बार लगाते पे ने, बावजूद यह पोर्शन क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? असं यह देखते हैं कि इतों जोशी कॉलोनी रेजिडेंस ही ज़्यादा जाते हैं या फिर कोई एमरजेंसी व्हीकल्स। उम्मीद करते हैं कि इस खबर तो बाद एक बार एक्शन होएगा, क्योंकि एक्सीडेंट सुनते पे ने और बहुत ही रीसेंट एक्सीडेंट होया है जिसे एक जवान कुड़ी दी दोनों लत्त चलिया गई, जाना भी जाते हैं, टू व्हीलर्स भी हिट होंगे, लेकिन फिर भी BRTS या कारपोरेशन रल मिलकर भी अगर करे तो इस चीज़ को ठीक करे। कैमरा परसन अजय नाल JP सिंह, फास्ट न्यूज़, अमृतसर। सरकारी हाई स्कूल गेट हकीमा विखे गणित मेला कराया गया, विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता मुख मेहमान सन, उन्होंने गणित मेले की शुरुआत की। स्कूल के प्रबंधकों वालों उन्होंने सम्मानित किया गया। मोनिका सोनी, गगनदीप कौर, मनप्रीत सिंह, सरबजीत सिंह समेत कई लोग मौजूद सन। जी अज मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल गेट हकीमा मैनू इनवाइट किया, इन्होंने एक गणित मेला लगाया गया जिदे विच मेरा आके बहुत मन खुश है। मैं जो बच्चों ना इंटरैक्ट किया और मैं देखा कि बच्चे बहुत अच्छी तरह नाल मैथमेटिक्स को समझते हैं, जिन्ना भी क्रेडिट है वो प्रिंसीपल मैडम नवनीत कौर और इन्होंने जिन्हें भी स्टाफ मैंबरस ने इतने टीचर्स ने बाकी स्टाफ मैंबरस ने द होल क्रेडिट गोज टू दैम। गणित मेले से सब तो पहला MLA साहब जी ने अजय गुप्ता जी ने बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और बहुत थैंकफुल हैं कि साढ़े एक छोटे जे सदे तो वो आए, बच्चों का उन्होंने हौसला वधाया, गणित मेले में बड़े ही पेशेंस के नाल बड़ा ही समा दे के बच्चों ने जो भी एक्टिविटीज़ बनाई हुई सगिया उन्हें हर एक एक्टिविटीज़ से बड़े ही गौर के नाल बच्चों की जी है हौसला फसाई की। विधानसभा हलका अटारी दे पिंड खापड़खेड़ी विखे विधायक जसविंदर सिंह रमदास ने दौरा करके लोगों दी मुश्किलां सुनिया अते विकास कार्यों का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी नेता जोगिंदर सिंह, गुरमेल सिंह, गुरनाम सिंह, हरजीत सिंह, जगीर सिंह, संतोख सिंह, मेजर सिंह ने उन्हां नूं सन्मानित किया। असी हूँ तो नहीं बड़ी देर तो तुरते हैं, कोई आदमी आए जो कोई ये कहे कि सामने से मिले नहीं सामने तो नहीं जाता बस मसा पाए इन गलों को बाहर क्या एक बंदा होता ही लैके जाता ही अंदर जाके MLA कमिश्नर में करता है गल अपनी कर देता ही बाहर आता मैं तेरी गल करते काम हो जाए बाहर बैठा हूँ नहीं पता की गल की तब्दीली की गई है। दर्शक हुण फास्टवे फिल्मी चैनल नंबर 240 ते, फास्टवे मूवी चैनल नंबर 241 ते, फास्टवे मैट्रो चैनल नंबर 242 ते अते फास्टवे म्यूजिक चैनल नंबर 243 ते देख सकनगे। श्री दुर्गियाना तीर्थ तो सीधा प्रसारण हुण चैनल नंबर 563, गुरद्वारा शहीदा साहिब तो सीधा प्रसारण चैनल नंबर 556, मंदिर मॉडल टाउन तो सीधा प्रसारण सवेरे चैनल नंबर 241 अते शाम नू चैनल नंबर 242 ते हो रहा है। फास्टवे दे लोकल चैनल्स ते एडवर्टीजमेंट देण लई फोन नंबर 7009308833 ते संपर्क कीता जा सकदा है। सांसद अते कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी वालों देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बारे की गई टिप्पणी के विरोध में बटाला विखे भारतीय जनता पार्टी नेतावां अते वर्करां वालों रोस प्रदर्शन किया गया अते अधीर रंजन चौधरी का पुतला भी फूकिया गया। मांग की गई कि कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी देश तो माफ़ी मंगन अते अधीर रंजन चौधरी नूं पार्टी चों बरखास्त करन। वड्डी गिणती विच BJP नेता अते वर्कर मौजूद सन। ये अधीर रंजन चौधरी MP आ, असी उहदा पुतला साड़िया वा,
कांग्रेस पार्टी का एम पी आ, क्योंकि इसने कल ऐसी अभद्र शब्दावली जिहड़ी देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ बोली आ। ऐसे इंसान का पुतला फूकिया वा जिसनों देश के राष्ट्रपति की इज्जत का ख्याल नहीं। मैं मंग करता वा कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी नूं कि इस इंसान नूं फॉरन पार्टी के बर्खास्त करके बाहर कढ़िया जाए। उन्हें जिहड़ा साडे माननीय राष्ट्रपति जी के खिलाफ जो अभद्र शब्द बोले है वो खिलाफ़ अभी वह पुतला साड़िया और अभी कांग्रेस पार्टी को मंग करने हैं सोनिया गांधी को इस बंदे नूं पार्टी तो बाहर कढ़िया जाए। कार्यकारी मैजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर पुलिस परमिंदर सिंह पंडाल ने हुक्म जारी करदिया जिला अमृतसर शहर के अधिकार खेत्र विच पैंदे थाणियां अधीन इलाकियां विच पांच या इस तों वध व्यक्तियां दे इकट्ठे होण, रोस रैलियां, धरना देण, मीटिंगां करन, नारे मारन अते विखावा करन ते मुकम्मल पाबंदी लगाउण दा हुक्म जारी कीता है। उन्हां इह वी आदेश जारी कीते हन कि जदों भी कोई मकान मालिक अपनी जगह रिहायश या व्यापारिक मकसद लई किराए ते दिंदे हन तां उस किराएदार दा पता ते वेरवा प्राप्त करके अगौं तौर ते अपने इलाके दे पुलिस स्टेशन विखे दित्ता जाए तां जो पुलिस उस दी तसदीक कर सके। उन्हां इक होर आदेश जारी करदिआं असला भंडार वल्ला दे आले दुआले हज़ार वर्ग गज दे खेतरां विच लोकां वल्लों जलनशील पदार्थां दी वरतों करन अते अन अधिकारित उसारियां ते मुकम्मल पाबंदी लगाउण दे हुक्म जारी कीते हन। इह सारे आदेश 26 सितंबर तक लागू रहणगे। चिंतपुर्नी मेले दे संबंध च किला पंगियां तों शोभा यात्रा कढ़ी गई। सारे रस्ते शोभा यात्रा दा निघा स्वागत कीता गया। विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, कौंसलर विकास सोनी, कौंसलर महेश खन्ना, विकी दत्ता समेत कई लोग मौजूद सन। मैं सारे जिन्हें भी श्री वास्तव परिवार है उन्होंने सारियां नूं मैं मंदिर कमेटी के नाल सारे श्री वास्तव परिवार को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दिना और असी इन्हां दे चरणां दे विच यही अरदास करते हैं कि साडा शहर जिहड़ा साडे शहर दे जिन्हें भी वसनीक ने सब लई माता रानी उन्हां ते कृपा करे। विधायक जसविंदर सिंह रमदास ने अपने हलके दे पिंड कोटली मियाँ खान दे लोकां नाल मुलाकात करके उन्हां दीआं मुश्किलां सुनियां अते इन्हां दे हाल दा भरोसा दित्ता। सर्कल प्रधान रणबीर सिंह ने उन्हां नूं सन्मानित कीता। निशान सिंह समेत वड्डी गिणती च लोक मौजूद सन। बड़ा साफ सुथरा पिंड है, छोटा पिंड है, इन्हां दीआं मंगां भी छोटियां ने लेकिन वधिया ने। एक मंग जिहड़ी है ना वो मेरे पद्धर ते मैं आप करावांगा जिहड़ा आंगणवाड़ी सेंटर खोलण वास्ते है। दूसरी जड़िया ने तीन चार मंगा वो वीडियो साहब सरदार सरबजीत सिंह नाल ने साडे उस लैवल ते होनियां ने, उन्हें हुणे वेख लिया ते फंड अवेलेबल ने और ये सारियां पूरियां हो जाणगीआं। सानूं अगे बड़ा विश्वास है मिल साहब ते जिहड़ा भी कम अहीं इन्हां नूं कहिंदे आ उस वेले साडा कम किया जांदा। हुण छोटी छोटी साडियां मंगा है, कोई आंगणवाड़ी सेंटर की मंग ही बड़े लंबे समय तो उन्हें क्या जल्दी तो जल्दी हल की जाऊगी। तो फास्टवे वालों गुरुद्वारा शहीदां साहिब तो रोज़ाना चैनल नंबर 556 से गुरबाणी का सीधा प्रसारण किया जाता है। इस सीधे प्रसारण के विशेष अधिकार सिर्फ फास्टवे के कोल ही हैं। सवेरा केबल फास्टवे वालों रोज़ाना किए जा रहे गुरुद्वारा शहीदां साहिब के सीधे प्रसारण का सिग्नल चोरी करके इस नूं दिखा रहे है, जो कि एक कानूनी जुर्म है। प्रशासन को चाहिए कि इस बारे कार्रवाई की जाए। वार्ड नंबर 52 दे मजीठा हाउस विखे नवे लगे ट्यूबवैल का शुभारंभ कौंसलर प्रदीप शर्मा ने किया। उन्हें आख्या कि लोगों दी मुश्किलों का हल पहल के आधार पर किया जाएगा अते वार्ड के विकास कार्य तेजी नाल जारी हैं। इस मौके पर डॉक्टर सुखविंदर सिंह, विनीत गुलाटी, दरबारा सिंह, रूबल सिंह, आर के वर्मा भी मौजूद सन। आज मेरे वार्ड नंबर 52 के मजीठा हाउस जिहड़ा कि एशिया हॉस्पिटल की बैकसाइड पर हैगा, एक बड़ी पौश आबादी है इत्थे। इत्थे पिछला ट्यूबवैल जिहड़ा सी काफ़ी सालों तो लगा सी ते पानी की कमी देखी जा रही सी। पिछली बारी मैं जदों आया सी ट्यूबवैल का काम शुरू कराया सी, जिहड़ा कि अज असी बटन दबके इहनू चालू करता है ते ये सारे इलाके की फीडिंग पानी की करेगा। ये सब मेयर करमजीत सिंह रिंटू ते MLA साहब दे संयोग दे नाल ए सारा काम सिरे चढ़िया। पुलिस थाना कैंट ने एक दोषी नु गिरफ्तार करके 105 ग्राम हेरोइन बरामद कीती है। थाना कैंट ने एक दोषी नु गिरफ्तार करके इस दे कब्जे चो 85 ग्राम हेरोइन बरामद कीती है।
बरसात के इस मौसम च अक्सर खड़े पानी और साफ सफाई ना होने कारण डेंगू के फैलन का डर रहिंदा है अते उस तो बचाव लई बटाला विखे सेहत विभाग दियां वख-वख मुहल्लियां विच घर घर जा के डेंगू के लारवे की जांच की जा रही है अते दवाइयां दित्तियां जा रही हैं अते स्प्रे की जा रही है। इस दे नाल ही सेहत विभाग दियां टीमां वल्लों पूरे शहर च लोगों नूं डेंगू की बीमारी तो बचण लई जागरूक भी किया जा रहा है। घरां दी जांच दौरान जिथे डेंगू का लारवा मिल रहा है उसनों स्प्रे कर नष्ट किया जा रहा है। उत्थे ही इस दौरान लोगों नूं आगाह किया जा रहा है कि वह अपने घरां विच साफ खड़ा पानी ना रहन दे अते आस पास सफाई रखन। आपां इह डेंगू दा करके सर करदे पए हां, घर घर जा के आपां डेंगू दे लारवे बारे जागरूक कर रहे हां। जो अपने कूलरां दे विच फ्रिजां दे विच पानी खड़ा रहिंदा, होर अपने छत्तां दे उत्ते टुटे भजे बर्तन जो भी टायर बाल्टी गमला वगैरह उन्हां नूं चैक करके ते उन्हां नूं दसीदा भी पानी खड़ा नहीं रहन देना कितें भी, ता कि डेंगू तो बचा हो सके। नालियां गलियां नालियां दे विच टैमी फाश दवाई की स्प्रे करते हैं। घरां दे विच जिथे कितें लारवा मिलता उत्ते आपां पैरीथ्रम दवाई की स्प्रे करके मौके ते नष्ट कर दिंदे हां। 29 जुलाई की शाम को सेहत विभाग वालों मिली सूचना मुताबिक कोविड केस हैं 35, जिला अमृतसर कुल एक्टिव केस हैं 173। हुण वेला हो गया एक छोटे जिहे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद तुसी देखोगे। तरन तारण च हुई बारिश नाल सड़कां ते पानी, लोग परेशान। ये ते कुछ होर खबरां एक छोटे जिहे ब्रेक तो बाद। फनलैंड, अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल पागल, तेरी बॉडी जैसे पारल पारल पागल, पास आ जाने जा पन मेरी यामाहा, लम्बे 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 है द थ्रॉटल, लेट मी मेक यू मूव, लेट मी मेक यू मूव, कम बैड बॉय बेबी बंदो थोड़ा क्रैक, जान लेवा रेज मेरा स्वैग, लेट मी मेक यू मूव, लेट मी मेक यू मूव, ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। शुक्रवार शाम तरन तारण विखे हुई बारिश कारण जिथे मौसम सुहावना हो गया उथे ही तरन तारण च सीवरेज ठप होने कारण सड़कों ते पानी इकट्ठा हो गया, जिस कारण लोगों नूं काफ़ी मुश्किलां हुई। तरन तारण के लोगों ने जिला प्रशासन तो मांग की है कि तरन तारण की सीवरेज प्रणाली नूं छेती ठीक किया जाए। इस तरह की कि पिछले 4-5 दिन तो जो मौसम कभी घुट हो जाता है, कभी हल्का बदलवारी हो जाए, वो जोड़े बजुर्ग है तो बच्चे उन्होंने सह लेंगे तो बड़ी तकलीफ आती है जी, और ये कुछ लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब जी बारिश हुई है जी, ये मौसम जो है बहुत वधिया हो चुका है जी। फसलों तो देखो जी, जी हूँ झोने की फसल लगी हुई है जी, तो झोने की फसल वास्ते भी ये मीह जरा है बहुत लाहेवंद है। कुछ दिन तो उमस भरी भरी गर्मी सी, अज बारिश ने मौसम बड़ा सुहाना कर दिता, तो देखने यह भी आया कि पानी हर जगह इकट्ठा हो गया, थोड़ी देर की बारिश ने पानी हर जगह इकट्ठा है। पर एक फायदा है कि जेडे बच्चों के या बजुर्गों के गले खराब ने या जो वायरल बुखार चलिया उन्होंने भी
इस बारिश ना उसका भी बड़ा होएगा कि वो ठीक हो जाएंगे, सब के गले ठीक हो जाएंगे और जो मौसम इस तरह ही रहा तो ये गर्मी भी घटे। तरन तारण के फुल बारिश हुई है जिस नाल मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन फीवर वाले की अनगहली कारण फीवर बंद हैं और MLA की गली भरी हुई है। लोगों की मंग है कि इसे तुरंत ठीक किया जाए। कैमरामैन विक्रम सहल के नाल वरिंदर डिगू रिपोर्ट फाइटर न्यूज़ तरन। करीब 20 दिन पहला अमृतसर की तहसील बाबा बकाला के नज़दीक पिंड गगड़पाणा विखे पुरानी रंजिश तहत मेला देख के वापस घर आ रहे अमनप्रीत नौजवान की कुछ नौजवानों वालों कुटमार की गई और हवाई फायरिंग करके फरार हो गए। इस संबंधी जानकारी दिंदया जख्मी अमनप्रीत के परिवारक मैंबर ने दसिया कि उन्होंने पिंड विच ही कुछ नौजवानों नाल पुरानी रंजिश चलती आ रही है। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है। दूजे पासे इस मामले च पुलिस अधिकारियों ने आख्या कि मामला दर्ज करके अग्गे दी कार्रवाई शुरू कर दी गई है अते फिलहाल कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त च नहीं है। मौके ते पुलिस ने 3 खोल अते 2 मिस रौंद बरामद किए हैं अते जल्द ही आरोपियों नू पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। गल सर झगड़ा होया जी भतीजे मेरे नाल, कारण सर सानू नहीं पता की कारण आ, इह मतलब पिछली कोई रंजिश रखदे इक छोटे जिहे झगड़े कारण 8-9 साल हो गए आ, जदों इह बाहरों आउंदे आ मुंडे इकट्ठे होंगे तो उदों वारदात करते हैं। उस दिन भी इन्होंने 3 घर से वारदात की हैगी है, पर मेरे भतीजे इन्हें एकदम जानों मार दिता है। ठीक है, अं बेचारे चुक के हॉस्पिटल लैके गए, उन्होंने किसी फड़िया कि सट्टा फटा मारिया, वे कि सट्टा मार के हवाई फायर भी किए हैं। जिस संबंधी थाना मेहता में मुकदमा दर्ज होया वा 48/22 जिले 8 दोषी आ, तो 3 नामलूम आ जिन्हें घर रेड किए जा रहे पुलिस वालों, तो सारे दोषी घर में फरार हुए अपने। UN एंटरटेनमेंट अते विरसा विहार अमृतसर दे सहयोग नाल 24 तो 31 जुलाई तक चलन वाले सुर उत्सव दे 5वें दिन AETC सुपनंदन दीप कौर अते सनतकार रजिंदर सिंह मरवाहा उचेचे तौर ते मौजूद सन। इस मौके ते मशहूर गायक सुखविंदर सिंह नू समर्पित उन्हां दे गीतां नू अमृतसर दे कलाकारां वल्लों गाया गया। डायरेक्टर गायक अते संगीतकार हरिंदर सोहल ने आए मेहमानां दा स्वागत कीता। इस मौके ते विरसा विहार दे प्रधान श्रोमणी नाटककार केवल तालीवाल, कुलबीर सिंह सूरी, गुरविंदर कौर अते दलजीत सिंह कोहली समेत कई लोग मौजूद सन। सुर उत्सव का 5वां दिन है और पिछले 4 दिन मेला बहुत पकया, बहुत वधिया तरीके नाल गायकी हुई और दर्शकों की भरपूर रही अते आमद विरसा विहार दे विच। और अज असीं सुखविंदर सिंह उन्हां नूं याद कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह उन्हां दे खूबसूरत गीत, बुलंद आवाज़ के गीत चल रहे हैं और जिहड़े नौजवान गायक साडे अमृतसर दे ने उन्हां नूं गीतां गा के याद कर रहे हैं। ये जी बहुत अच्छा उपराला साढ़े अमृतसर के जिन्हें भी अमृतसर शहर के नाल माझे के मिसाइल जिन्होंने अपना नाम ना खटिया गीत संगीत की दुनिया के उन्हों का एक संग्रह के तौर पर 7 दिन लगातार सुर उत्सव नाँ के उत्ते इन्होंने ये प्रोग्राम जो विरसा विहार के हो रहा। सानू तो बड़ी खुशी है देख के, एक तो जिहड़ियां नवीं उभरदियां जिहड़ियां शख्सियतां उन्होंने सुनने का मौका मिले। तरन तारण के मोहल्ला नानकसर विखे रहिंदे एक नौजवान ते बैंक दियां किश्तां मंगण ते कुछ लोगों वालों उस उपर हमला कर दिते जाण दा मामला सामने आया है। इस हमले विच नौजवान की लत टुट गई। पीड़ित सुखदेव सिंह ने इंसाफ की गुहार लगाई है। उधर थाना सिटी तरन तारण के SHO ने आख्या कि दोनों धिरां कोलों शिकायतें मिलियां हन अते जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ बनदी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं बैंक का करदा, जो ग्रुप का लोन कर देना, लोन करवा के देना। मेरे ना आडे महल्ले का मुंडा वा जी, अजय नानकसर महल का, वो माँ ने लोन लिया ही 50,000 का, तो उन्होंने किश्तां कुछ रहिंदियां ही, तो लोन क्लीयर करने वास्ते उन्होंने कहा ही, तो उन्होंने लोन क्लीयर तो किया नहीं कहते, वह करके झगड़ा हो गया जी। वह जो मालिक आने शामी मैनू फोन किया कि तुम आओ इतने तेरे कोई गल करनी है, और रोई वाले पुल से मैं आ गया वा, तो दोवें जने उ मैं पै गए जी। दो पार्टियों का झगड़ा आया वा, तो झगड़े संबंधी ऐसे गुरमीत सिंह जी कर रहे तफतीश की मैटर की, तफतीश दौरान जो भी फैक्ट आने बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो कर रहे तफतीश अं गुरमीत सिंह कर रहा है तफतीश, जो भी सब फैक्ट आऊगा, क्योंकि असल कोई पैसों के लैन देन का मैटर है मेन मैटर जरा। मजीठा के इतिहास में पहली बार वेखन मिलिया जदों कोई नाजायज़ उसारी नगर कौंसल ने टाई है। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्मां अनुसार मजीठा विच नगर कौंसल वालों गैर कानूनी ढंग नाल कब्जा करके इस जगह विच कीती दुकानां दी उसारी नू नगर कौंसल वालों अध अधूरे जिहा ढा दिता गया।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀਬ 2-3 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, 10-15 ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੰਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਰਵਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਮਜਿਸਟਰੇਟ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ EO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਸਟੇਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਮਾਗਮ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲੋਂ SGPC ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਮਾਗਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਤੀਰਥ ਸਥਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਾਇਣ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਬਿਆਲਾ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭੰਡਾਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੋਤਾ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਬਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਅਮਰਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸੀਹੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੀ ਚੀਦਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਜੌਨ ਕੋਟਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਏਕਤਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ, ਆਖਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਨੇ। BRTS ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗਲਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।